60 के दशक में राजेंद्र कुमार फिल्मी दुनिया में अपने किरदारों से धमाच मचा दिया करते थे। उस दौर में उनकी तकरीबन दर्जन भर ऐसी फिल्में आई जिसकी थिएटर में सिल्वर या गोल्डन जुबली मनाई गई। फैंस उनकी फिल्मों को देखते हुए ही उनका नाम ही जुबली कुमार रख दिया। अभिनेता ने एक बंगले को खरीदने के लिए दो फिल्में एक साथ साइन की थी। ये घर खरीदने के बाद उनकी किस्मत का सितारा चमक उठा था। हालांकि अपने मुश्किल दिनों में उन्हें ये बंगला बेचना पड़ा था। राजेंद्र कुमार पिता की घड़ी बेचकर हीरो बनने का सपना लेकर मुंबई आए थे। उस वक्त उनके पास महज 50 रुपए थे। 60 के दशक की शुरुआत में राजेंद्र कुमार ने दो फिल्में साइन की थी और उनकी फीस के बदले में मुंबई के कार्टर रोड पर एक बंगला खरीदा। इस बंगले को खरीदने के बाद ही वो सफलता की सीढ़ी चढ़ने लगे थे। एक्टर ने लगातार कई हिट फिल्में भी दी। हालांकि बाद में उन्होंने अपने मुश्किल दिनों में ये बंगला राजेश खन्ना को बेच दिया था। इस बंगले को खरीदने के बाद काका की किस्मत का सितारा भी चमक उठा था। दिल्ली से जब राजेंद्र कुमार मुंबई आए तो बॉम्बे गेस्ट हाउस के एक कमरे में ठहरे थे जो बहुत कम कीमत पर सोने के लिए खाद दिया करता था। ये वही गेस्ट हाउस था जहां संघर्ष के दिनों में धर्मेंद्र, राजकुमार जैसे स्टार्स ने अपने शुरुआती दिन काटे थे। जब कुछ सालों बाद राजेंद्र कुमार स्टार बन गए तो गेस्ट हाउस वालों ने उस खाट को भी फेमस बना दिया था। गेस्ट हाउस में जाने वाले लोगों को कहा जाता था कि यही वो खाट है जिस पर राजेंद्र साहब सोते थे। इस बात को सुनने के बाद लोग दोगुनी कीमत में उस खाट पर सोने के लिए तैयार हो जाया करते थे। डायरेक्टर SS रवेल ने उन्हें अपनी फिल्म पतंग में एक छोटा सा रोल दिया था क्योंकि वो राजेंद्र के टैलेंट को पहचान चुके थे। ये देख उस दौर में दूसरे डायरेक्टर भी उन्हें अपनी फिल्मों में छोटे मोटे रोल के लिए कास्ट करने लगे थे। डायरेक्टर केदार शर्मा ने राजेंद्र कुमार को 1950 में फिल्म जोगन में दिलीप कुमार और नरगिस के साथ फिल्म में लिया। जब फिल्म रिलीज हुई तो राजेंद्र कुमार के छोटे से रोल ने धमाल मचा दिया। इस फिल्म के बाद देवेंद्र ने उनके हुनर को परखते हुए उन्हें फिल्म वचन से लॉन्च किया और इस फिल्म के लिए उन्हें महज 1500 रुपये फीस दी गई थी। 60 के ही दशक में राजेंद्र कुमार फिल्मों में जगह बनाने की कोशिश कर रहे थे। उसी दौरान एक दिन कार्टर रोड से गुजरते हुए उनकी नजर एक खंदर पर पड़ी। दरअसल वो एक खंदरनुमा बंगला था। उन्होंने इस बंगले को खरीदने का मन बना लिया था। उस बंगले की कीमत 7000 रुपए थी। इसी दौरान उनके घर राज कपूर की एंट्री हुई। राज कपूर ने उन्हें एक फिल्म ऑफर कर दी और दो फिल्मों के लिए एडवांस पैसे दिए। उन्हीं पैसों से राजेंद्र कुमार ने वो घर खरीद लिया। लोगों का कहना था कि वो घर फूटिया था। उस बंगले में पहुंचने के बाद से ही राजेंद्र कुमार ने एक के बाद एक हिट फिल्में दी। उस बंगले का नाम उन्होंने अपनी बेटी डिंपल के नाम पर रखा था। ये उनके लिए लकी चार्म था। उनकी सोई किस्मत ऐसी पलटी कि वो एक से बढ़कर एक हिट फिल्म देने लगे थे। हालांकि अपने मुश्किल दिनों में उन्होंने ये बंगला बाद में राजेश खन्ना को बेच दिया था। राजेश खन्ना भी इसे खरीदने के बाद सुपरस्टार बन गए थे। 1960 के दशक में राजेंद्र कुमार ऐसे अभिनेता बनकर उभरे जिसने लगातार करीब दर्जन भर ऐसी फिल्में दी जिन्होंने थिएटर में सिल्वर या गोल्डन जुबली बनाई गई। यही वजह थी कि उन्हें जुबली कुमार कहकर भी पुकारा जाता था। अपने एक्टिंग करियर में उन्होंने 80 फिल्मों में से 35 ऐसी थी जो 25 से 50 हफ्तों तक सिनेमाघरों में फैंस का दिल जीतती रही। राजेंद्र कुमार को उस दौर में सफलता की गारंटी माना जाता था। राजेश खन्ना के आने के पहले हिंदी सिनेमा में राजेंद्र कुमार की ही टूटी बोलती थी। तो दोस्तों, आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में बताना मत भूलिएगा। और अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। धन्यवाद।